जिया जी देखो आपकी बीवी को क्या कह रहे हैं। मैंने देखा तेरी मम्मी का पेट भर गया, तेरी मम्मी ने देखा मेरा पेट भर गया। यहाँ भी तो लगाते हो जो यहाँ पे भोले। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह के 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और आज ना मैं थोड़ा डाउन हो रही हूँ। मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 15 दिन तो मैं बीमार ही रहती हूँ। मतलब आप भी सोचते हो ना कितना बीमारी थी। उन 15 दिन में से भी 5 दिन तीन से पाँच दिन तो पीरियड्स के चल जाते हैं, बाकी 10 दिन कभी सर दर्द, पाँव दर्द, कभी कुछ ऐसा होता रहता है। पता नहीं कितनी बीमारी है मेरी किस्मत में भी। चलो जो भी है खैर। और आज का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर पाऊँ ना कर पाऊँ, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। तो अभी मैं बाहर थोड़ा सा वॉक करने आई हूँ, उसके बाद मैं हॉट बैग लेके सो जाऊँगी। हॉट बैग लगा के अच्छे से आराम से रेस्ट करूँगी और सोना आएगी तो सोना व्लॉग कंटिन्यू करेगी, या तो शाम तक मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं ही व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बाकी अभी ना सोने से पहले मैं ईशू से अपने सर पे तेल लगवाती हूँ। कल ही हेड वॉश किया था और आज ही तेल लगवा रही हूँ। क्या आज डे कौन सा है, कौन सा वार है आज? पता नहीं मम्मी, आज कौन सा वो है? अच्छा बुधवार है ना आज। हाँ ठीक है फिर लगवा लेती हूँ। तो गाइस हमारे मम्मी पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मम्मी आपका फोन कहाँ है आज? आपका फोन कहाँ है आज? मेरे फोन अंदर हुआ। तभी पापा के फोन में लगी हो। मेरे फोन में आवाज ही नहीं आ रही है, कहाँ से? पापा नया फोन दिला दो मम्मी को। देना मत लेकिन तेरा और मैं ऐसी बोलना। हाथ ऐसे लगाना नहीं, मेरा फोन दे। मैंने देखा तेरी मम्मी का पेट भर गया, तेरी मम्मी ने देखा मेरा पेट भर गया। बाबा पेट भर गया। इतना कभी खाने के लिए बोला? इतना कभी खाने के लिए बोला जब खाते हो? तो पेट भरता है मम्मी पापा का हिस्से का बाप खाना है। जब माँ बाप बच्चों को आवाज लगाते हैं वो और खाना खा लो, कोई कहता मैं टीवी देखता हूँ, कोई मैं वो ये फोन में ही लगे रहते, तो इसी से तो भरता है उनका पेट, आते हैं वो कहने में। पापा किसको सुना रहे, भैया और दीदी को? सबका, पूरे संसार वालों को। ये तेरे लिए भी है, पूरी दुनिया वालों को। मैं तो आ जाती हूँ, ये तेरे लिए है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तुम खाना दो, यार मेरे को नींद आ रही है, वो खाना नहीं खाएंगे, और ये फोन दो इससे उनका पेट भर जाएगा देखेंगे तो। ये हमारा ये है। नीचे से हरा ऊपर से लाल, वो चुन्नी देखो अलग ही हो रही है। बॉम्बे भेज रहा हूँ उसको तेरी मम्मी को, वहाँ रहेगी और वहीं से अब हीरोइन बनूंगी। हाँ बॉम्बे भेजो, मगर वहाँ बॉम्बे भेजो, बबलेश्वर बोलते हैं बाबू, वहाँ बनूंगी भूतों के साथ। मैं भी आपका साथ दूंगी, चलो ना तू जो ना पापा तू। मैं भी आ रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है। गाइस फरफराते हुए हमारी मम्मी गई। कहाँ है मम्मी? के महबू आ रखे हैं, बल मम्मी का कहना ऐसा है। तेरे पापा कहते हैं तेरे महबू आ गए। दूर तार थी जो वो दीदी तीन बजे नहीं देख रहा था ना। तो तुम तो कहते महबू आ गई उधर। गाइस ये दो जने एक दूसरे का ऐसे पागल करते हैं। तुम मैं आ गई हूं, तुम मम्मी पापा नहीं, जैकी है हमारा बुबू, सिम्बा है हमारी अम्मा, उन्हीं के बाद तो आए हो दो जने। आज ब्लॉग के इंचार्ज हमारी मम्मी और मैं तो कैमरा मैन हूँ खैर, और मैं हूँ आज। हाँ हाँ वही तो सब हमारी मम्मी है, ब्लॉगर है। उसके पेट में दर्द हो गई है, वो 4 दिन सही रहती है, 4 दिन बीमार रहती है, ये सारी हमारे सर पड़ी है। जिया जी देखो आपकी बीवी को क्या कह रहे हैं। जल्दी आओ, क्यों आपको ताकत है, इसका मतलब ये थोड़ी सबको ताकत होगी। ताकत है हमें, हम सुबह घूमने जा रहे हैं। ओ बाबा हो, हम 4 बजे उठ जा रहे हैं। गाइस 4 बजे उठ के इतने बेड़ा पार कर दिया। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे
को कपले बनाओ, मेरे को कपले बनाओ। दादी इनके बेड खोल के देखे जाए चारों अलमारी, तीन चार अलमारी वो खोल के देखे जाए। सही बोला, इतने कपड़े हमारे पास भी नहीं है जितने हमारी मम्मी के पास भरे। इनके पास रखा कलेक्शन, पूरा कलेक्शन दिखाना है इतने अपना, पूरा साड़ियों का भी सूट का भी। क्या कलेक्शन दिखाऊं अब मैं, एक्सपायर मेरे कपड़े एक्सपायर जिंदा हो अभी एक्सपायर नहीं हुए हो एक्सपायर हुए होते अभी तक बबलेश्वर जाए होते मैं जाने की तैयारी में हूँ। फुल वहाँ बाबो मेरे को दे दो, बोला था मैंने मेरे लिए फिटिंग कर दो। चल मैं तेरे को दे देती, तेरे को तो फिटिंग भी करती। अगर तूने एक वो स्टूडियो का मैं बनाना आपूं, अब क्यों बनाओगी, खाली क्या हुई हाय, इतने सारे कपड़े हैं क्यों नहीं पहना कल, नहीं पहना बहन, नहीं पहले बताओ नहीं पहना तो क्या खाली कह रहे यार, मेरी बिज्जती मारता है। देखो ए आई सुपर बेल बटन ऐसा छू दीदी को, जो आपसे बोला वो सिला है भलो, उसको मुसी काट देता बहुत ही बढ़िया होता। वो मैंने दे दिया है, वो सूट दे दिया मैंने तेरे को, पता भी कौन सा वाला जो तू कहती मेरे को सिला करके, वो मैंने भागा बुआ को दे दिया। दूसरे दिन दे सकती थी जो आप अपने लिए बना रही थी, अपनी चीज तो देनी, अब वो मैं बनाऊंगी। तू बना लेना उसको, हां उसको चुरा के ले आना एक दिन, तू बना लेना आप कर देती हूं। और लेकिन मैं, तू बनाएगी, मैं तेरे से ये नहीं कह रही हूं, तू बनाना उसको और नहीं पहनेगी, और तूने कुछ आनाकानी करी फिर मैं तेरे हड्डियां को तोड़ दूं, लगा ले सर पीछे ना और लकड़ी। फिर इसके बाद से मैं भी एक्सपोज करूंगी मम्मी आपको, ट्रोल होगी फिर आप पूरे यूट्यूब में इंस्टाग्राम में। मैं वैसे ट्रोल का सुनो और ना मम्मी बेटी की लड़ाई, मैं वैसे टाइटल बल, मैं वैसे ट्रोल हूं पर उठा कर ये भाई उठा कर मम्मी का ट्रोल, ट्रोल आंटी आपको ट्रोल करना है बल, मम्मी का ट्रोल करता ना ट्राई कर रही नहीं कर। मम्मी ट्रोल मतलब क्या होता है? अभी ये बुबू आए थे ना, हमारे बुबू अभी आए थे, हाँ वो क्या करती है तो संबोधन सुनाने के लिए। अच्छा मेरे को अपेट है। अपेट क्या है? क्या होता है? अरे अंकल जी हैं, बिल्कुल आ गए हैं, वो कब काटोगे इनके बाल झड़ने लगे तब कि बोले को ये पास पटाखा खाने को शुरू है ना, बाल झड़ने लगेंगे आंटी, इंसान है जो उनके बाल झड़ेंगे, आंटी इंसान है जो उनके बाल झड़ेंगे, नहीं नहीं बाल उतने ही झड़ जाती हैं ये तो हम ऐसे इसको जब ये ऐसे टूटता ना ऐसे खट करके तब उनको काटते हैं, अभी तो ये कच्चे ही हैं, हम तो ऐसे काटने लग जाती हैं कच्चे, हां ये जैसे ऐसे है ना ये। मम्मी मेरे उसमें क्या बताया है, आपके उसमें तो नहीं क्या ही बताया है, तेरे इसमें तो वैसे तो ठीक ठीक ही बता रखा है, लेकिन परिवार में कभी मैं लड़ा झन करी तू, हाँ अलग है मैं ही लड़ा करूँ, मैंने लड़ा झन करी, मैं किसी को तोड़ू तेरा। अभी तो की अभी बहस तो हुई है, इसको ऐसी बहस तो चल जाती है ना बेटा वो ज्यादा, मैं नहीं करती हूँ यार लड़ाई, क्या समझ रखा है मेरे को, आतंकवादी हूँ मैं, देश निकाह करो देश निकाह करो, मेरा देश निकाह होता है। हम अपना सुबह हम घूमने जा रहे हैं और दोपहर में हम ना अपने हमने भी वो लग कैसे रही हो मम्मी आप लग कैसे रही हो, जैसे कुछ नहीं होगा आपके पास, ऐसे ही छोड़ रखा होगा, पापा समझ के मारो, पापा समझ के मारो, सोना समझ के, मीनू समझ के, अमित समझ के, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, तो पापा ने क्या बिगाड़ा, मैं तो ऐसी बोल दी थी वो देखो वो हमने सर में क्या है ऐसी बीमार इंसान है, इनसे मुंह लगना बेकार है। अब क्या देख रही हूँ उसे, गाइस हम मेकअप में उतर रहे हैं, मेकअप किट मिल, चलो गाइस हम अपनी मम्मी का मेकअप दिखाएंगे कैसे करती है, देखिए मम्मी की लक कैसी रही आज, देखते सही माता रानी ने मेरे को देखी, मेरे को भी है को मम्मी सच्ची इतनी ऐसी शक्ति है, माता रानी ऐसी शक्ति है कि अब ऐसे मन पर लाओ लकड़ी चुट्टी दियो यार जल्दी कर, मैं बहुत काम करना यार, मम्मी शायद करो जब शाम को कहीं जाओगे तब करना, कहाँ जाऊँ मैं, आप भी तो कह रहे थे सप्ताह सुनने जा रहे हो, सप्ताह सुनूंगी अच्छी, मैं आपको बीमार रखती हूँ, मेरे कब उस पर बेडशीट नहीं बिछाई आपने, ये तो ये अभी तक क्या मस्त शांति से बैठ रखे थे, तो बोला मेरे को कि कल वो जो बर्थ में बिस्तर में जाता है वो क्या कहते हैं दलदरता फैलाता है, तू हमारे वहाँ क्या फैलाता है, दलदरता फैलाता है, बोलने भी नहीं आया, दर 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 लगी हो, दरिद्रता मैं धर के लाभ कर रही हूँ सब जगह, देख नहीं रहे हो क्या, तू लाभ कर लिया, हम कम से लाभ बड़ा एक पूरे पूरे खानदान में सबसे
अच्छी राशि हो मेरी और मेरी और मेरे पति की बताए गए हैं। मेरी राशि में तो कुछ बताया ही नहीं है, मैं तो खल्लू। नीला मैं मुझे भूल गया, चेंज कर लो फिर, किसने बोला पहनने के लिए? वही तो आई दी तू लाइक हो रहा हूं मैं आई फिटिंग कर दूं नहीं आई के जरा सोना का बंदो भला कुछ हो ये इमेज जरा आपसे तो अच्छे लगता है ज्यादा नौटंकी बाजी नहीं दिखा दीदी मैं नहीं पहनती ऐसे अच्छे लगते ना मेरे का लोवर टी शर्ट पहन चला फालतू जीन चलाना है कि बिना गीत चलाए ऐसा हो रहा है तो गीत चला के कैसा होता है। अब अभी अभी वो टेलर भी बन गई है।